नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड होना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल जीओवी पीवीटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पर आपको रोजगार से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी, जहां से आप रोजगार से जुड़े हर दिन के 5 बड़ी खबरों से अपडेटेड हो सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। छोटे बच्चों के कक्षाओं में इन नियमों का होगा पालन। आईपीएल 2022 के ऑक्शन में बिहार के 4 खिलाड़ियों की लगी बोली। जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार ने सुनी जनता की फरियाद। बिहार में लाखों मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की शुरू हुई तैयारी। बिहार के सभी किसान दे ध्यान, केंद्र पर धान खरीद होने वाली है बंद। अब चले बढ़ते हैं बिहार के शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। छोटे बच्चों के कक्षाओं में इन नियमों का होगा पालन। आज से छोटे बच्चों की कक्षाएं 100% अटेंडेंस के साथ खोल दी गई है। हालांकि कोरोना अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, इसी को ध्यान में रखते हुए असेंबली और लंच के समय एक जगह भीड़ ना हो, इसके लिए स्कूल प्रशासन ने कई निर्णय लिए हैं। स्कूलों में छोटे बच्चों की असेंबली कक्षा में ही होगी। लंच का समय हर एक कक्षा के लिए अलग अलग होगा। कई स्कूलों में 3 बार लंच ब्रेक का समय रखा गया है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि कोरोना गाइडलाइन का अब भी पालन किया जाएगा। 100% उपस्थिति के बाद भी एक जगह बच्चों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी। जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार पूरी एहतियात बरती जाएगी। आईपीएल 2022 के ऑक्शन में बिहार के 3 खिलाड़ियों की लगी बोली। आईपीएल 2022 को लेकर ऑक्शन के काम को खत्म कर लिया गया है, जिसमें कई खिलाड़ियों को काफी ऊंचे ऊंचे दाम में खरीदा गया। हालांकि बिहार के 3 खिलाड़ियों की किस्मत भी इस आईपीएल ऑक्शन में चमकी है। जहां एक तरफ ईशान किशन सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी रहे, दूसरी तरफ बीते दिन हुए ऑक्शन में बिहार के लिए खेलने वाले शहबाज नदीम, अनुनय नारायण सिंह और अनुकूल रॉय की भी बोली लगाई गई। बिहार टीम से रणजी खेलने वाले अनुनय नारायण सिंह को राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा। वहीं नीलामी के दूसरे दिन शहबाज नदीम को 50 लाख की बोली लगाकर लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने खरीद लिया है। बिहार वासियों को अब ठंड से मिलेगी राहत, चढ़ेगा पारा। राजधानी पटना समेत राज्य भर में दिन भर तेज धूप देखने को मिल रही है, इससे दिन में लोगों को ठंड से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ पटना मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान सूबे का मौसम पूरी तरह शुष्क देखने को मिला। हालांकि शनिवार की तुलना में रविवार को सूबे का न्यूनतम तापमान कम होने से लोगों ने सुबह और रात के समय में हल्की ठंड जरूर महसूस की। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त संख्यात्मक मॉडल और मौसमीय आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार राजधानी पटना समेत राज्य भर में मंद पछुआ हवाओं का प्रवाह जारी रहा। इन हवाओं का प्रवाह समुद्र तल की सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ देखने को मिला। इन हवाओं के प्रभाव से फलस्वरूप ही राज्य में अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क और आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। हालांकि 16-17 फरवरी को आसमान में बादल छाने की संभावना जताई गई है। जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार ने सुनी जनता की फरियाद। बिहार में कोरोना के मामलों में आ रही कमी के बीच आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जनता दरबार की शुरुआत कर दी, जिसमें उन्होंने सुबह से ही कई फरियादियों की फरियाद सुनी। जहां पर कॉलेज में अनुदान राशि के कई मामले सामने आए, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में अलग अलग मामलों की सुनवाई देखने को मिली। जनता दरबार शुरू होने के बाद वित्त रहित कॉलेज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आदि की समस्याओं को लेकर लोग पहुंच रहे थे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अधिक ब्याज वसूलने की शिकायत मिलने पर सीएम ने गंभीरता दिखाई। उन्होंने अधिकारियों को कॉल कर कहा कि बैंक वाला इतना ब्याज वसूल रहा है, इसको दिखवाइए। वहीं मुंगेर से आई एक स्नातक छात्रा ने कहा है कि 2019 में ग्रेजुएशन उसने कर लिया है, लेकिन स्नातक प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिली है। सीएम ने संबंधित अधिकारी को फोन लगाकर कार्रवाई का निर्देश दिया है। बिहार में मठ मंदिरों की जमीन अब नहीं बेच पाएंगे सेवक। बिहार में अब सेवक मठ मंदिरों की जमीन को नहीं बेच सकेंगे, क्योंकि इसको लेकर जल्द ही एक कानून बनने वाला है। यानी कि आने वाले समय में बिहार में अब बहुत जल्द देवी देवता भी जमीन के मालिक होंगे। इसको लेकर ही बिहार सरकार जल्द ही एक नए कानून का ऐलान कर सकती है। बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत रॉय ने बताया कि आने वाले समय में मठ मंदिरों की जमीन सेवक के नाम पर नहीं होगी। इन तमाम जमीनों को देवी देवताओं के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसको लेकर एक कार्यक्रम में शामिल होने हाजीपुर पहुंचे बिहार सरकार के भूमि सुधार मंत्री ने उक्त ऐलान किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कृषि विभाग और धार्मिक न्यास को एक बिल बनाने का सुझाव भी दिया। बिहार के तीसरे कृषि रोडमैप को ही मिल सकेगा विस्तार। बिहार में तीसरे कृषि रोडमैप 2018-22 को एक साल का विस्तार मिलने जा रहा है, जो कि मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगा।
इसको लेकर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने स्वीकृति दे दी है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से हरी झंडी मिलने का इंतजार हो रहा है। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से 2 साल से कई योजनाएं फंसी हुई हैं। तैयार किए गए रोडमैप के तहत तय लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका है। 4th रोडमैप को बनाने के लिए पर्याप्त समय भी हालांकि नहीं मिल पाया है। ऐसे तमाम कारणों को ध्यान में रखते हुए ही 3rd कृषि रोडमैप को 1 साल के लिए विस्तार देने की तैयारी हो रही है। इसमें जैविक खेती का विस्तार सभी 38 जिलों में करने और लागू करने समेत कई योजनाएं शामिल है। 4th कृषि रोडमैप को बनाने का काम इस साल अप्रैल महीने में शुरू होने की उम्मीद है। इंटर की कॉपियों की जांच शुरू होगी इस दिन से, वहीं मैट्रिक की कॉपियों की जांच होगी इस दिन से। बिहार में आज इंटर की परीक्षाओं का समापन हो गया है, वहीं जल्द ही मैट्रिक की परीक्षाएं भी शुरू होने वाली है। हालांकि इन सबके बीच बिहार बोर्ड की तरफ से दोनों ही बोर्ड की कॉपियों को जांच करने की आधिकारिक तारीख की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत इंटर वार्षिक परीक्षा 2022 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 26 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगा। वहीं मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 5 मार्च से 17 मार्च तक चलेगा। मूल्यांकन केंद्र पर 9:30 बजे तक मूल्यांकन कार्य में लगे सभी कर्मियों को प्रवेश कर लेना होगा। मूल्यांकन कार्य 10 बजे सुबह से शुरू हो जाएगा, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। उसके बाद की अवधि तक आवश्यकतानुसार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन चलेगा। इसके साथ ही मूल्यांकन केंद्रों पर प्राप्तांक की ऑनलाइन एंट्री भी करवाई जाएगी। बिहार में लाखों मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की शुरू हुई तैयारी। बिहार में चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाना चुनाव आयोग के लिए शुरू से ही एक चुनौती रही है, क्योंकि बिहार में केवल 60% के पार मतदान देखने को मिलता रहा है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां 90% तक मतदान हो जाता है। इसके पीछे वजह ये बताई गई है कि राज्य के लोग बड़े पैमाने पर रोजगार के लिए दूसरे राज्यों और शहर में चले जाते हैं। ऐसे लोग मतदान के वक्त अपने गाँव शहर में नहीं पहुंच पाते, लेकिन राज्य में कम मतदान की असली वजह ये नहीं है। असली वजह ये भी है कि एक वोटर के कई जगह पर नाम दर्ज है, और इसी कड़ी में राज्य के लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। सिमिलर एंट्री सॉफ्टवेयर के माध्यम से आयोग ने ऐसे वोटरों का पता लगाया है जिनके नाम मतदाता सूची में 2 स्थानों पर दर्ज है, जिसके बाद ही अब तेजी से नामों को हटाया जा रहा है। पटना में ज्यादातर हिस्सों में महंगी होगी जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री। पटना के ज्यादातर हिस्सों में जमीन, मकान, फ्लैट आदि का निबंधन बिना सर्किल रेट बढ़ाए ही महंगा होने वाला है। पटना जिला निबंधन कार्यालय ने निबंधन विभाग को इसको लेकर एक प्रस्ताव जारी कर दिया है, जिसमें सड़कों को प्रमोट किया जा रहा है। इसके अनुसार अब 20 फुट के बदले 15 फुट से अधिक चौड़ी सड़क को मेन रोड या फिर मुख्य सड़क और 25 फुट से अधिक चौड़ी सड़क को प्रधान सड़क के रूप में देखते हुए अधिसूचित करने की बात कही गई है, जिसके बाद ही अब जिन सड़कों को मुख्य सड़क से प्रधान सड़क के रूप में अधिसूचित किया जाएगा उसके किनारे की जमीन का सर्किल रेट 10 लाख तक बढ़ने की उम्मीद है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान में मुख्य सड़क का सर्किल रेट 16 लाख और प्रधान सड़क का सर्किल रेट 26 लाख रुपए है। बिहार के सभी किसान दे ध्यान केंद्र पर धान खरीद होने वाली है बंद। बिहार सरकार ने इस साल धान खरीदारी का लक्ष्य 45 लाख टन तय किया है। अब तक 41,25,000 टन से ज्यादा धान की खरीदारी हो चुकी है। पिछले साल तक इस अवधि तक 28,44,000 टन धान खरीदारी हुई थी, तब लक्ष्य 35 लाख टन था। बिहार सरकार के खाद्य सचिव विनय कुमार के मुताबिक धान खरीद की तय लक्ष्य आसानी से हासिल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सभी जिलों में इच्छुक किसान धान बेचने के लिए क्रय केंद्रों पर आ रहे हैं। धान खरीद की जिलाधिकारी के स्तर से निगरानी भी हो रही है, ताकि धान बेचने वाले किसानों को कोई परेशानी न हो। ध्यान रहे कि सरकारी केंद्र पर धान खरीद जल्द ही बंद होने वाली है। इथेनॉल से बिहार बनेगा समृद्ध। बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी के बीच में काफी देर बातचीत हुई, जिसके बाद से उम्मीद की जा रही थी कि बिहार सहित कृषि बहुल वाले अन्य राज्यों के लिए दिन उनके आने वाले बहुत जल्द सुधरने वाले हैं। इस दौरान ही बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने की मांग पर केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने कहा कि बिहार में भरपूर मात्रा में इथेनॉल उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि बिहार प्रगतिशील और समृद्ध राज्य है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश को इथेनॉल ही संपन्न बना सकता है। केंद्रीय मंत्री की माने तो पहले गन्ने के जूस से ही इथेनॉल का उत्पादन होता था, लेकिन अब मक्का और चावल से भी इथेनॉल का उत्पादन होगा। बिहार में अब जलमार्ग से रोकी जाएगी शराब की तस्करी। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, यही कारण है कि बिहार सरकार भी सख्ती के साथ इस कानून को लागू करने में लगी हुई है। हालांकि अब तक मद्य निषेध विभाग ने थल और नभ में तो शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन अब जलमार्ग से भी शराब तस्करों को पकड़ने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर जल्द ही विभाग 4 हेवी मोटर बोट खरीदने या फिर किराए पर लेने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर निविदा भी जारी कर दी गई है। 15 फरवरी को प्री बिड कॉन्फ्रेंस के बाद 23 फरवरी को निविदा
खोली जाएगी। खरीदे जाने वाले हैवी मोटरबोट से 4 जुलाई यानी कि पटना, बक्सर, छपरा और वैशाली की नदियों में छापेमारी की जाएगी। गूगल ने बदला बिहार के इस जिले में जाने का रास्ता। हाल ही में सीएम नीतीश द्वारा मुंगेर गंगा सड़क पुल की शुरुआत हुई है, जिसके बाद ही अब गूगल ने भी लखीसराय से खगड़िया या फिर बेगूसराय जाने का रास्ता ही बदल दिया। अब तक गूगल के जरिए इन दोनों स्थान पर जाने का मार्ग बढ़िया हाथीदह के रास्ते बताया जा रहा था, फिर मुंगेर भागलपुर नवगछिया पुल होते हुए लोग खगड़िया तक पहुंचे थे। लखीसराय से बेगूसराय जाने के लिए बढ़िया हाथीदह का रास्ता लोगों के लिए तो सही था, लेकिन खगड़िया जाना बेगूसराय के साथ ही भागलपुर के रास्ते भी कठिनाइयों से भरा हुआ था। गूगल ने अब भागलपुर का मार्ग डायरेक्ट दिखाना खत्म कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 11 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार ने मुंगेर के गंगा नदी पर बने सड़क पुल का उद्घाटन कर दिया था। इस साल 1800 किलोमीटर लंबे 18 NH का शुरू होगा निर्माण। बिहार सरकार ने इस साल बिहार में सड़कों के जाल को और ज्यादा बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत ही इस साल 18 नए NH का निर्माण करना है, जिसकी कुल लंबाई 1800 किलोमीटर होगी। इन सभी का DPR बन रहा है। इसमें अधिकतर परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। आगे की सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इस साल के अंत तक निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद जताई गई है। ऐसे में अगले साल 2 से 3 साल में इन सभी NH पर आवागमन शुरू होने की संभावना है। वर्तमान समय में इन 18 नए NH की अनुमानित लागत करीब 50,000 करोड़ रुपए है। हालांकि DPR बनने के बाद लागत स्पष्ट हो सकेगा। वर्तमान में राज्य में NH की लंबाई करीब 5301 किलोमीटर है। करीब 600 किलोमीटर लंबाई में कई NH का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। देश भर में कोरोना के मामलों में आ रही है गिरावट। कोरोना की रफ्तार अब देश में लगातार थमती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 34,113 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 346 लोगों की जान चली गई है। इससे पहले रविवार को कोरोना के 44,877 नए मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,26,31,421 हो गई थी, जबकि महामारी से 684 लोगों की जान भी गई थी। भारत में करीब 40 दिनों के बाद COVID-19 के दैनिक मामलों की संख्या 50,000 से कम रही। देश में 4 जनवरी को संक्रमण के 37,379 नए मामले सामने आए थे। भारत में लगातार 7वें दिन संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या 1,00,000 से कम देखने को मिली। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, परवेज आलम, गजेंद्र सिंह, प्रिया यादव, सुष्मिता कुमारी, नंद कुमार सिंह, सना परवीन, गोनर शर्मा, धर्मेंद्र वर्मा, सौरभ मिश्रा, मुकेश कुमार, मोहम्मद इनायत, अनुज कुमार, मनीष कुमार, जेबा परवीन। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार IPL के ऑक्शन के खत्म होने के बाद कौन सी टीम मजबूत स्थिति में नजर आ रही है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।